here to provide a shield from the Deheria town residents group to Amir Hamza. Family. Group group. Family, okay. Family, BTK family. Thank you very much. Thank you. Thank you. Irfan Abdullah and Mr. Abdul Rahim. Assalamu alaikum. हम बेरिया रेजिडेंट फैमिली ग्रुप की तरफ से जो है वो अभी शील्ड भी दी है बच्चे को, और जो स्कूल मैनेजमेंट है उसको हम थैंक्स कहते हैं कि हमारे बच्चे को उन्होंने माशाल्लाह इतना सपोर्ट किया, और हम बेरिया जो रेजिडेंट फैमिली ग्रुप है वो सिर्फ हमारी वेलफेयर के लिए अपने आप में लिंकेज पैदा करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। खासतौर पे ये कमांडर स्कूल ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और दूसरे बच्चे भी इसको देख के आगे आएंगे, और हम इसके लिए बाकायदा स्कूल वालों के वो थैंक्स भी कहते हैं। तो नदीम भाई भी हमारे एडमिन है ग्रुप के, अभी वो भी आप लोगों को थोड़ा बताएगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ अमीर हमजा अपने बच्चे को, और उससे ज़्यादा यानी कि कहते हैं कि हीरे की परख जो है वो जोरी बेहतर जानता है, तो उस जोरी के लिए ख़ास तौर पर कमांडर जुल्फ़िकार साहब, मैम शुक्ला और मैम सादिया, क्योंकि आप लोगों ने ये हमारा जो हीरा तराशा है और इस तरह के पता नहीं कितने हीरे इंशाल्लाह आप लोग आगे तराशेंगे, तो हम रियली आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस किस्म की इवेंट बच्चों की ऑब्लाइजिंग उनको ग्रोमिंग जो यहाँ आप मिल रही है, और मैं तो मतलब ये जुल्फ़िकार भाई बड़े भाइयों की तरह हमारे लिए, और ये माशाल्लाह जिस तरह हट कर जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो हम हमारे मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप हमारे मजीद जो बच्चे लाइन में हैं काफ़ी और वो इस तरह ग्रूम कर रहे हैं आप लोग, तो ये करें और हम लोगों का साथ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। स्कूल को हम दोबारा भी थैंक्स कह रहे हैं, और माशाल्लाह ये मैडम शगुफ्ता हैं और इनके एफर्ट्स हम देखते रहते हैं ग्रुप में, एज एडमिन हम हर एक की बात जो है ना वो देखते हैं सुनते हैं, और जो इन्होंने आवश्यक ली है और बेरिया के रिहायशियों के लिए मुझे खासतौर पे फीस में भी बच्चों को इन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट किया है जो हमारी डिमांड है, और इन्होंने अच्छी तरह उसको जो है ना वो इतना किया है कि अफोर्डेबल है, और भी हम जैसे दो रेजिडेंट्स की मुझसे ख्वाहिश होती है कि और कम हो ताकि हमारे बच्चे जो है ना अफोर्ड कर सके, जैसे कि हमारे कई बेरिया के बच्चे डिफेंस में पढ़ने जाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे DHA में जाए, वो इधर ही आके पढ़े क्यों जाए, वो हाईवे का रिस्क क्यों ले, तो हम चाहते हैं इस तरह आप कोई हमें एक ऐसा पैकेज दे दो रिहायशियों के बच्चों के लिए ताकि वो बाहर न जाए, बेरिया से बाउंड्री से बाहर क्यों जाए, बच्चे हैं हमारे, हमें जो है ना मकसद उनकी फिक्र होती है जब वो बाहर जाते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी आवाज सुनी जाएगी, हम रिहायशियों की आवाज सुनी जाएगी। ठीक है मैम, सर आप हमारे स्कूल आए विजिट करें, वी वुड लव टू हैव यू ऑन बोर्ड, हैव अ कॉफी विद अस।